मुझे अभी भी याद है, मेरी दादी बोला करती थी, हमारे जमाने में वड़ा पाव 1 या 2 रुपए में आता था, और अभी देखो कितनी महंगाई बढ़ गई है। और ये सारी महंगाई गवर्नमेंट की वजह से बढ़ रही है, और गवर्नमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे ही रिएक्टिव पीपल रिएक्ट करते हैं, जो चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ को लेके वो परेशान होते रहते हैं। बिकॉज ये तो पॉसिबल नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन उससे ओवरकम करने के लिए हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ना कि गवर्नमेंट को ब्लेम करने का। और इस रिएक्टिव पीपल के अलावा जो भी प्रोएक्टिव पीपल रहते हैं वो ऐसे थिंक करते, यार देखो मेरी कंप्लेंट तो सही है, ऐसे नहीं मैं झूठी कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा जिससे मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें आसान हो जाए और मुझे लाइफ में फ्रीडम भी मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। ये होता है प्रोएक्टिव सोचना। अगर प्रोएक्टिव पीपल बिजनेस चालू करते हैं तो वो इस चीज़ पे नहीं फोकस करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आजकल के ज़माने में लोग अप्रिशिएट नहीं करते और अच्छे प्रोडक्ट को ज़्यादा भाव नहीं देते, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि वो अमीर लोगों को ही अमीर बनाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स ही सेलिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज़्यादा प्रमोट होते हैं। पर प्रोएक्टिव प्रोडक्ट ऐसे थिंक करेंगे कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे और बेटर बना सकता हूँ कि कस्टमर अच्छे से अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट छोड़ के मेरे प्रोडक्ट के पीछे लग जाए। क्या आपको पता चला ये क्वेश्चन के साथ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना बड़ा डेडिकेशन, कितना बड़ा हार्डवर्क इसके साथ आता है? आपने देखा होगा जैसे ही आपने ये सवाल अपने ब्रेन को पूछा तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गया, आपका ब्रेन उसके ऊपर थॉट करने लगा कि यार मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। लेकिन जब भी आप कंप्लेंट करते हो तो आपकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर आ जाती है और आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। सो हैबिट नंबर 1 इज बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। अभी इमेजिन करो आप वैकेशन से घर पे आए हो, वैकेशन एंजॉय करके आए हो और अभी आपका मूड एकदम अच्छा है, और सडनली आप देखते हो आपके घर के बाहर बहुत से लोग खड़े हुए, सबका चेहरा एकदम सैड है, सब उदास है। आपको ऐसी फीलिंग हो जाती है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है। सो आप अंदर जाते हो, आपके लव वंस बहुत रो रहे हैं। आप आगे जाके देखते हो तो आपको किसी की डेड बॉडी दिखती है। आप और आगे जाते हो तो आप देखते हो ये तो आपकी डेड बॉडी है। तब आप कैसा फील करोगे? क्या आपको लगेगा जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर दिया? क्या आपको ऐसा लगेगा जो भी लोग आप पास्ट में छोड़ रहे हो वो आपके अच्छे चीज़ों के लिए आपको याद करेंगे या बुरे चीज़ के लिए याद करेंगे? सो हैबिट नंबर 2 यही है, हमेशा माइंड में एंड को ध्यान में रखते हुए अपना सक्सेस प्लान, अपना लाइफ प्लान, अपना गोल प्लान बनाओ, ताकि जब भी आपका लास्ट डे हो आपको ऐसा ना फील हो यार लाइफ में कुछ छूट गया है। और अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? सो आप बोलोगे मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरी वेल्थ, मेरा बिजनेस, मेरा जो भी करियर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2 मिनट और पॉज लेके इसके ऊपर थिंक करो, क्या आप इसको सबसे ज़्यादा टाइम देते हो? अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली है तो आप फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हो? अगर आपके गोल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप गोल्स के लिए ज़्यादा टाइम देते हो? सो आपको ये पता चल गया होगा कि हम जो चाहते हैं और हम जो करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। सो हैबिट नंबर 3 हम बोल सकते हैं, पुट फर्स्ट थिंग ऑन फर्स्ट। जो भी आपको पहले करना है वो पहले ही करना चाहिए, ना कि बाद में। अगर सपोज आपके पास एक बहुत अच्छी स्किल है और आपके कॉम्पिटिटर के पास और एक अच्छी स्किल है जो कि आप लर्न कर सकते हो और दोनों भी एक साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैंने अपनी स्किल दूसरों को सिखा दी तो वो मुझसे आगे चला जाएगा, तो ये आपके लिए और उसके लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आप उसकी स्किल नहीं सीख सकते। सो हैबिट नंबर 4 हमेशा याद रखना, हमेशा विन विन सिचुएशन की तरफ आपकी प्रोसीजर होनी चाहिए, ताकि आप भी कुछ नए स्किल्स हमेशा ग्रैब कर लो। नाउ अभी एक सिनेरियो कंसिडर करो, मैं आपको बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन एक सवाल आता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे? क्या आपको सच में उससे अच्छी वैल्यू मिल रही है? क्या आपको सच में उससे अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है? तो ये आप सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करोगे। और अगर मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ये तो सिंपल है। सो हैबिट नंबर 5 यही बोलती है, हमेशा दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करो, तो चाहे वो कोई भी हो। नाउ अभी एक दूसरा सिनेरियो कंसिडर करो, सपोज करो एक आम का बड़ा पेड़ है और उसके आम तोड़ने के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हो, और वहाँ पे दूसरा लड़का भी आता है और वो भी आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आप दोनों भी एक भी आम नहीं निकाल सकते क्योंकि आम का पेड़ बहुत ऊंचा है। पर अगर आप कोऑर्डिनेशन करते हो और कोऑर्डिनेशन से एक बंदा दूसरे बंदा के शोल्डर के ऊपर खड़े रह के मैंगोज निकाल सकता है तो आप दोनों को भी मैंगोज मिलेगी, लेकिन आप कोऑर्डिनेशन नहीं करते हो, एक दूसरे को बीट करते रहते हो तो दोनों को भी आम मिलने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। सो कोऑर्डिनेशन और सिनर्जाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज।
नाउ और एक सिनेरियो कंसीडर करो, एक आदमी कुल्हाड़ी लेके एक बड़ा पेड़ काटने जाता है, लेकिन जब भी आप उस आदमी से बात करते हो तो वो बोलता है अरे यार ये पेड़ काट ही नहीं रहा है, तो आप देखते हो तो उसके जो एक्स रहते हैं और वो बिल्कुल भी शार्प नहीं रहती। सो आप उसे बोलते हो अरे यार अपने वेपन को तो शार्प करो, तो वो बोलता है नहीं इसमें बहुत टाइम जाएगा। आई नो दिस स्टोरी इज वेरी स्टूपिड, बट आप भी और मैं भी लाइफ में सब यही करते हैं, अपने लाइफ को अपने आप को शार्प नहीं बनाते। 30 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए निकालते, 15 मिनट्स बुक्स रीड करने के लिए नहीं निकालते, 10 मिनट्स मेडिटेशन के लिए नहीं निकालते और मेंटली अपने आप को कभी भी स्टेबल नहीं रखते और हमेशा ऐसा लगता है ये चीजें बहुत टाइम खाती है। सो हैबिट नंबर 7 यही बोलती है आप अपने आप को शार्प करो, और यही है 7 सबसे अच्छे हैबिट जो हमेशा ऑल सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। और लास्ट में ये आइडियाज अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स का पता चले।